और मैं हूँ आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नक्षत्र में हम आपके लिए लाते हैं कुछ खास उपाय जो आपके जीवन में प्रगति और उन्नति लाएंगे। उन्हीं उपायों के सही विधि विधान को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कैसा रहेगा आपका आज का दिन और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजेश शुक्ला का प्रणाम। रक्षा रक्षक गणाध्यक्ष रक्षक त्रिलोक रक्षका भक्तानां भयं कर्ता ताता भव भवान मा द्वय मातृ कृपा सिंधु शाण मातराग्र जो प्रभु वरदस्तम वरदेहिं वांछित वांछितार्थता विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय। तो विघ्नेश्वर की विशेष रूप से पूजन और संतानों के कष्टों को हरने वाली, संतान को दीर्घायु करने वाली और इसी के साथ ही ऋण रोग शत्रु कष्ट इत्यादि जितने भी प्रकार की नेगेटिविटी जिसको हम बोल सकते हैं ऋणात्मकता है, वो ऋणात्मकता गणेश भगवान के पूजन और सकट चौथ का व्रत अगर रखते हैं तो माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में मनाया जाता है। इसमें संकष्टी चतुर्थी वक्रतुंडी चतुर्थी इत्यादि तिलकुटा चौथ भी इसको कई लोग कहते हैं। ये बड़ा ही प्रचलित व्रत है। सकट माता की भी पूजा की जाती है। सकट चौथ के दिन माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, लंबी उम्र की कामना करती हैं और इसी के साथ ही कुछ इस प्रकार के प्रसाद में तिल कुटा इत्यादि इसका विधान होता है और इसका एक प्रसाद इत्यादि बनता है। 10 जनवरी 12:09 से इसका मुहूर्त लगा हुआ है, लगातार शुभ मुहूर्त, और इसका समापन 11 जनवरी 2023 2:31 तक रहेगा। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ये खोला जाता है। चंद्र के अर्घ का टाइम 8:41। ये अलग अलग पंचांग अलग अलग सिटी के हिसाब से लोग चेक कर लें। तो ये माघ मास में संकष्टी चतुर्थी वक्रतुंडी चतुर्थी इत्यादि इसको कहते हैं। तो ये हमने जाना बहुत संक्षेप में सकट चौथ संतानों की उन्नति के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए रखे जाने वाला व्रत। गुरुजी, आप दर्शकों को बताइए आज की 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मेष राशि वालों, सावधानी रखिएगा और सतर्कता बरतिए। संतान पक्ष से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आयात निर्यात कर रहे हैं या कोई अगर विदेशों से कार्य कर रहे हैं तो अच्छी सूचना मिलेगी। नौकरी के जो कार्यकर्त हैं, परिवार के सदस्यों से अच्छा सामंजस्य बनेगा। पूर्णिमा को चंद्र का अर्घ चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। 6 का अंक गुलाबी रंग शुभ है। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन और मित्रता और इसी के साथ पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। पुरानी आदतों के चलते कुछ परेशान हो सकते हैं, छोड़ने की कोशिश ज़रूर आपको करनी चाहिए। अगर विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में मन लगाएंगे आप। प्रेम में हैं अगर तो वो थोड़ा ध्यान उनका भटक सकता है। थोड़ा ध्यान रखें, भगवान का ध्यान करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। और लाल रंग और 19 का अंक इसका ज़रूर लाभ लें। मिथुन राशि वालों, धार्मिक कार्यों में कार्यक्रमों में आप अपना मन लगाएंगे। गरीबों की सेवा, इससे तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी वाणी से, और वाणी की मधुरता से आपको ज़रूर लाभ होगा। बनाए रखिएगा, आकर्षण आपका भी बढ़ेगा लोगों के प्रति, लोगों का आपके प्रति, लेकिन जीवन साथी के साथ अच्छा संबंध जरूर मिलेगा। उगते सूर्य को आपको अर्घ देना चाहिए। ताम्र पात्र में नारंगी रंग शुभ है, 2 का अंक शुभ है। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, सर्वश्रेष्ठ कार्यों और प्रयासों को आप दे रहे हैं थोड़ा सा गति। रचनात्मकता बढ़ेगी, सकारात्मक परिणामों से आप थोड़े से रहेंगे उत्साहित। स्मार्ट वर्किंग बनाएं, अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रखें, दीर्घकालिक योजनाएं बनाएं तो बेहतर होगा आपके लिए। कार्य व्यापार में सहज भावी रहें, वार्ताओं का भी प्रभाव रहेगा। जरूरतमंद को भोजन अन्नदानम श्रेष्ठ दानम जरूर करिए। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। बात करेंगे सिंह राशि के। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा आलस्य का भाव हो सकता है। दिनचर्या में आप स्वयं से अपना कुछ बदलाव लाएंगे जो कि आपके अनुकूल सिद्ध होगा। जीवन साथी को मन की कुछ समस्याएं आप बताते हुए दिख रहे हैं, समाधान भी उन्हीं से मिलेगा। कोई प्रिय मित्र आपके लंबे समय के बाद मुलाकात ज़रूर आपसे प्राप्त कर सकता है। बेसन के लड्डू का भोग लगाना शिव जी हनुमान जी को अच्छा है। 5 का अंक हरा रंग शुभ है।
अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है। घर की कुछ जिम्मेदारियों का आपको बोझ मिल सकता है, कुछ आपके लिए लाभ हो सकता है। अपनी फिजूल खर्ची को लेके आप परेशान हो सकते हैं। पिताजी से या अपने से बड़ों से, जिनके माता पिता आप हैं, बहसबाजी से बचें। मित्र के साथ किसी पार्टी इत्यादि का आयोजन कर सकते हैं। गाय को गुड़ और रोटी खिलाना बहुत ही सुंदर उपाय है। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया। बात करेंगे तुला राशि की। बुद्धि से, विवेक से आज आपको निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। किसी दूसरे के कहने पर लेकिन निर्णय ना लें, आपकी स्वयं की क्षमता आज अच्छी है। मन में चल रही उलझन है तो किसी के सामने आज जाहिर करने से आपको बचना चाहिए। तो तुला राशि वालों को शाबाशी भी मिलेगी और जूनियर का, लोगों का उत्साह भी मिलेगा। अन्न का दान करना ठीक है और इसी के साथ ही आज कोई आप मीठी चीज़ का भी दान करें। फिरोजी रंग शुभ है, 10 का अंक उत्तम है। वृश्चिक राशि वालों की बात बताएं तो आज उन्नति दिलाने वाला आपका दिन रहेगा। पहले से किया गया निवेश आपके मुताबिक चल रहा है, लेकिन इसको डिस्टर्ब ना करें। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से भी चल रही अनबन या किसी अन्य कार्य क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति से चल रही अनबन दूर होगी। लोग आपकी तारीफ करते नजर आएंगे, यानी आज आपकी प्रशंसा हो सकती है। गुरुवार को केले के पौधे की पूजा या विष्णु सहस्रनाम का आज पाठ जरूर सुन लें। 6 का अंक गुलाबी रंग शुभ है। बात करेंगे धनुराशि की। अत्यधिक परिश्रम और प्रयास, इसकी ज़रूरत आज आप महसूस करेंगे। आज का दिन निश्चित रूप से फलदायी आपके लिए दिख रहा है। वातावरण चारों ओर आपका सुखमय दिख रहा है। एक के बाद एक शुभ सूचना भी आपको लगातार प्राप्त होती हुई देखी जा रही है। माता जी के शारीरिक कष्ट में बहुत अच्छा सुधार होगा और इसी के साथ ही आपके अच्छा प्रभाव मिलेगा। दूध के पदार्थों का दान करें। पीला रंग शुभ है। 3 का अंक अच्छा है। बहुत आसान से उपाय के साथ मकर राशि की बात करें तो उनके लिए आज दिन उत्तम दिख रहा है। किसी से आर्थिक समस्या है अगर कोई, तो उससे आप उभरते हुए दिख रहे हैं। विद्यार्थियों के शिक्षा में कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी से जुड़े काम करने वालों के लिए सप्ताह बहुत अनुकूल दिख रहा है। संतान पक्ष से जुड़ी बड़ी उपलब्धि आपका मान बढ़ा सकती है। छोटी कन्याओं को सफ़ेद मिष्ठान खाने को दें, कुछ वस्त्र इत्यादि दें। 17 का अंक हरा रंग शुभ है। बात करेंगे कुंभ राशि की। कोई बड़ी खुशखबरी मिलने से मन आपका प्रसन्न हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सा लाभदायक अच्छा दिख रहा है। कोई लेन देन से जुड़ी समस्या सुलझती हुई दिख रही है। नौकरी में कार्यरत लोगों का कोई लड़ाई झगड़ा इत्यादि या मन मुटाव या किसी से कोई तकनीकी बात पे झगड़ा, व्यक्ति को दिया हुआ धन तो वापस मिलेगा, झगड़ा सुलझ सकता है। अपने इष्ट देव को नमन करें, प्रणाम करें। 8 का अंक नीला रंग शुभ है। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। थोड़ा सा मुश्किल लेते हुए आता हुआ आज का दिन दिख रहा है। जिंदगी में कुछ उथल पुथल, उतार चढ़ाव का भी प्रभाव आज आप देख सकते हैं। कार्यक्षेत्र में यदि कोई महत्वपूर्ण काम सौंपा जाएगा तो उसे आप जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करेंगे। धन कमाने के लिए गलत रास्ता, शॉर्टकट इत्यादि ये ना करें। किसी परिजन से मिलकर कुछ समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। परिश्रम करना होगा। हनुमान जी का दर्शन आज आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। 4 का अंक भूरा रंग शुभ है। तो आपने देखा मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां गागर में सागर। गुरु जी, आप दर्शकों को बताइए आज का पंचांग क्या कह रहा है, दिन में कौन सा समय रहेगा शुभ और किस समय रहेगा राहु काल। अंक 10 जनवरी 2023, तृतीया तिथि का मान लगा आश्लेषा नक्षत्र, मूल संज्ञक नक्षत्र, मंगलवार का दिन, माघ मास और कृष्ण पक्ष। शुभ समय 11:52 से 12:35 सिद्ध है। स्थिर राहु काल 2:52 से 4:11 तक सिद्ध है। तो आज आपने जाना क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरु जी को कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं 800-4036-524 पर। ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरु जी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।